नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, थोड़ा और मुस्कुराइए कि आपको यहाँ की मशहूर शर्मा जी की चाय पीने का एक सुनहरा मौका है। शर्मा जी की चाय, जहाँ लोग कहते हैं कि सारा लखनऊ इनकी चाय से अछूता नहीं है, तो चलिए आपको ले चलते हैं हजरतगंज के पीछे लखनऊ नगर निगम ऑफिस के पास शर्मा जी की चाय की दुकान पर। दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये किसी जुलूस या रैली की नहीं है, ये चाय के दीवाने हैं, शर्मा जी की चाय के दीवाने। दोस्तों, आप यदि लखनऊ में 2-3 दिन ठहर रहे हैं तो जनाब शर्मा जी की चाय, बनमस्का और समोसे जरूर खाइएगा। कुल्हड़ में चाय पीने का असली आनंद आता है और इनका बनमस्का बहुत ही सॉफ्ट होता है। और यदि समोसों की बात करूं तो गोल गोल चटपटे समोसों में से हरी मिर्च झांक रही होती है, जिनका स्वाद जबरदस्त होता है। चाय की शौकीन, जिनको घाट घाट पर चाय पीने की आदत होती है, वो जरूर एक बार यहाँ आए, परिवार दोस्तों के साथ चाय का मजा लें। चाय बहुत बढ़िया है, मक्खन समोसा बहुत अच्छा है। मुझे चाय पीना होता है तो मैं यहीं आता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, काफी सालों से आ रहा हूँ। काफी सालों से, ये बहुत पुरानी चाय, मतलब शर्मा जी की चाय बस ब्रांड है, मतलब अलग है। पूरा दिन भर एकदम एक आप एक्टिव, एकदम अलग से आप दिखेंगे। बहुत लोग आते हैं, सुबह से शाम भीड़ रहती है। तो ये कब से है इनका? कुछ काफी सालों से, काफी साल से इनका है। हम होंगे भी नहीं आए, सबसे हो गई है। यहाँ पर चाय पर चर्चा करते लोग दिख जाते हैं, या कहें चाय के साथ पॉलिटिक्स, फिल्म या कोई भी विषय पर चर्चा करते लोग दिखते हैं। हेलो, शर्मा जी की चाय बहुत अच्छी है, आप लोग आइए पीजिए। हम लोग बहुत पहले से आ रहे हैं, जैसे स्कूल में से हम लोग आते रहते हैं, हम लोग को भी दोस्तों से पता चला था। आइए, बहुत अच्छा है यहाँ का चाय, और यहाँ का समोसे वमोसे बन समोसे बन मक्खन भी बहुत अच्छा है, और माहौल भी काफ़ी सही है। और लखनऊ का सबसे फेमस एरिया है, मेन पड़ता है वहीं पर, ये है, आप आ सकते हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और किसी से भी पूछेंगे आपको सबको पता है ये जगह कहाँ आती है। यूं तो हमने चाय की प्रसिद्ध दुकानें बहुत सी देखी हैं, लेकिन चाय की ऐसी दीवानगी पहली बार देखी, क्योंकि ये लखनऊ के शर्मा जी की चाय है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको भी शर्मा जी की चाय और बनमस्का का स्वाद आ गया होगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।